है वेलकम टू माई चैनल माई लाइफ स्टाइल माई वर्ल्ड मैं रिव्यू करने जा रही हूँ क्राफ्ट सीड्स गार्डनिंग टूल्स नाइन टी का जो कि मुझे फोर नाइन्टी फोर रुपीज़ में रिसीव हुआ टेन डेज रिटर्नेबल है और इसके अंदर मुझे ये पॉलिथिन रिसीव हुई इसके अंदर पाँच टूल्स थे पहला टूल था ये हैंड कल्टिवेटर इसकी ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अच्छी तरह से कल्टिवेट करने में हेल्प करता है इट इज़ इट हैज़ ब्लैक पाउडर कोटिंग जो कि इसको रस्ट के प्रोटेक्शन से बचाता है हैंडल प्लास्टिक का है जो कि उन्होंने मैंशन किया था वुड ये है सेकेंड बिग हैंड ट्रावल टू डेग आउट स्मॉल होल्स फॉर प्लांटिंग और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है सेकेंड है ये स्मॉल हैंड ट्रावल दोनों का पर्पज़ सेम है बस साइज़ में डिफरेंस है तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो जिस भी चीज़ में जैसा चाहिए फोर्थ है ये फॉक ये अच्छी तरीके से इसको पीछे देखें तो ये डिफाइन किया गया है और ये भी बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है इस बॉक्स का जो डायमेंशन था वो 11.2 पॉइंट टू इंटू ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू इंटू थर्टी वीडर टू डिग आउट द वीड फ्रॉम द गार्डन ये है ऑफ सीजस जो कि मैंने यूज़ नहीं किया है अभी तक और ये ग्लव्स क्वालिटीज़ की अच्छी दिख रही है इसके अलावा जो मैंने रिसीव किया वो है जीनिया के ये सीड्स जो कि बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है किसी भी चीज़ में इस वेट का बॉक्स था वन इस बॉक्स का वेट था वन फाइव थ्री जीरो ग्राम्स एक करीब डेढ़ किलो के आसपास बॉक्स की बाहर से क्वालिटी बहुत अच्छी है बट अंदर से इतनी अच्छी नहीं थी बट इट इज़ गुड टू कीप ऑल द टूल्स इन वन बॉक्स एंड आप भी क्या इसी तरीके से इसे टूल्स पे गार्डन के इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं या करते हैं और अगर करते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आई होप यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग